फुल, आज मैं आपके साथ 3 इंग्रेडिएंट्स मज़ेदार सी ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए 500 ml फुल फैट व्हिपिंग क्रीम, मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, और 16-18 पीसेज ऑफ ओरियो बिस्किट्स। आप अपनी मर्ज़ी से बिस्किट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट्स को क्रश करेंगे। आप ग्राइंडिंग जार में भी क्रश कर सकते हैं, बट थोड़ा रफली क्रश करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। तो इसीलिए मैं सारे बिस्किट्स को पहले जिप लॉक बैग में डाल दूंगी। अब इसको हम रफली क्रश करेंगे। बिस्किट बहुत अच्छी तरह से क्रश हो चुके हैं। अब इसको मैं वापस प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। हमें ऐसे मोटे चंक्स ही चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने आइसक्रीम बनाने से पहले हैंड मिक्सर के नोजल्स को फ्रीज़र में रख लिया था, साथ ही मैंने बोल को भी फ्रीज़र में रखा था ताकि ठंडा हो जाए। आपकी व्हिपिंग क्रीम भी खूब चिल्ड होनी चाहिए, इससे व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब मैं बोल में 500 ml व्हिपिंग क्रीम शामिल करूँगी और इसको सॉफ्ट पीक्स होने तक अच्छे से व्हिप करूँगी। जब हम किसी केक के लिए क्रीम व्हिप करते हैं तो उसकी पीक्स हार्ड होनी चाहिए, लेकिन आइसक्रीम में अगर आपकी क्रीम की पीक्स सॉफ्ट भी हों तो भी कोई इशू नहीं होता, आइसक्रीम अच्छी बनती है। और यहाँ पर हमारी व्हिपिंग क्रीम की पीक्स बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बन गई थी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड बटन में दे दूँगी, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद हम सिर्फ 1 मिनट के लिए व्हिप करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हमारे क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स। इसमें से मैंने 2-3 टेबलस्पून साइड पे रख लिए हैं, जो कि हम बाद में इसके टॉप पे डालेंगे। और यहाँ पर बिस्किट शामिल करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से फोल्ड करूंगी। बिस्किट और क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसके ऊपर क्रश्ड बिस्किट स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहें तो मोटे चंक्स भी रख सकते हैं, बट दीज चंक्स आर इनफ। मुंह में आएंगे तो बहुत ही एक मज़ेदार सा फ्लेवर और टेक्सचर महसूस होता है। अब मैं इसको कवर करके फ्रीज़र में 4-6 घंटे या फिर ओवरनाइट रख दूंगी ताकि अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद रेडी है हमारी ओरियो बिस्किट आइसक्रीम। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनती है, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी, आपके मेहमानों को, आप किसी पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को। बहुत ही ज़बरदस्त, क्विक और समर्स के लिए रिफ़्रेशिंग डेजर्ट है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलती हूँ आपसे मज़ीद मज़ेदार और आसान सी आइसक्रीम रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।